नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। लंबी चुप्पी के बाद एक बार फिर से अमित शाह की एंट्री हुई है। अमित शाह की एंट्री होने के साथ साथ एक बार फिर से राजनीतिक चर्चाएं छिड़ गई हैं, और इस राजनीतिक चर्चाओं में जो बिहार में हो रहा है, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने हिंदू सम्मान यात्रा को लेकर के हलचल मचा दिया था, इसको लेकर के नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि बगल के पड़ोसी राज्य में झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, और विधानसभा के चुनाव में कई तरह की बातें सामने आ रही थी। वहां नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन के साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो चिराग पासवान भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बिहार सहित झारखंड में चुनाव लड़ने वाले जो क्षेत्रीय दल बिहार से जुड़े हुए हैं, वो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को, उनके नीतियों को कितना ज़्यादा समर्थन करते हैं या उससे कितना ज़्यादा इत्तेफाक रखते या नहीं रखते हैं। इन सवालों के जवाब निश्चित रूप से खोजे जा रहे हैं, और कई दलों ने नीतीश कुमार पर यह सवाल खड़ा किया है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी जैसा ही शासन करते हैं। अब ऐसी स्थिति में अमित शाह का ये बयान कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने आइडियोलॉजी के तरफ तेज़ी से मूव करना शुरू कर चुकी है। हालांकि एक बात तो आपको पहले से पता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं है, जैसा कि 2014 और 2019 में आया था, लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इधर कई नीतियाँ, कई ऐसे बिल आए हैं जिसको लागू तो करने की बात की गई है, लेकिन उन्हें अभी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है या जेपीसी को सौंप दिया गया है। लेकिन ये सभी चीज़ें जब चुनाव हो जाएंगे झारखंड और महाराष्ट्र के, उसके बाद से लागू होती हुई दिखाई दे रही हैं। अमित शाह ने झारखंड में एक सभा के दौरान कहा है कि वो समान नागरिक संहिता, यूनियन सिविल कोड यूसीसी लागू करेंगे, और हर हाल में ये होकर ही रहेगा, लेकिन इससे आदिवासी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। उनके कानून, उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति पूर्ववत रहेंगी। यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और आदिवासी की आबादी को संरक्षित करने के लिए यूसीसी जरूरी है। झारखंड में हम इसे जरूर लागू करेंगे, यानी कि वहाँ से सीधे संदेश उन्होंने बिहार में भी दिया है। और जिस बात का अंदेशा था, जिस बात को लेकर के नीतीश कुमार को विपक्ष घेर रही थी, वो बातें अब देखने और सुनने को मिल रही हैं। रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी उन्होंने जारी किया। अमित शाह ने रांची के होटल रेडिशन ब्लू में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दल के नेता यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दलों को यह बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी आने पर आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति खतरे में नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति को लेकर के उन्होंने कहा कि उसे बचाना भी जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन और उनके साथियों का यह कहना गलत है, क्योंकि हम हर तरह से यहाँ के लोगों के, झारखंड के लोगों को मदद करना चाहते हैं और उनकी सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दुष्प्रचार करते इन लोगों को अब पब्लिक भी समझ गई है, और यूसीसी लागू करके हम उनके जो सभ्यता और संस्कृति है उसे संरक्षित करेंगे। यह सच नहीं है कि इससे आदिवासियों को कोई प्रभाव पड़ेगा। हम यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखेंगे, उनकी संस्कृति और उनकी परंपरा पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। अमित शाह के इस दावे के साथ साथ अब चर्चा बिहार में भी छिड़ गई है। अमित शाह ने जारी किया भाजपा का संकल्प पत्र, और झारखंड में एक नए झारखंड के निर्माण की बात उन्होंने कही। उन्होंने रांची से अपनी बात को रखते हुए कहा कि जो सहारा के निवेशक हैं, उनके पाई पाई के पैसे भी वापस किए जाएंगे, तो उन्होंने झारखंड में आक्रोशित युवाओं को ढूंढ ढूंढ करके नौकरी देने की बात की, और कहा कि झारखंड से बाहर किसी को नौकरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के विवाद काफ़ी लंबा चल रहा है, और अगर इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं नीतीश कुमार और अन्य एनडीए के घटक दल, तो इसका मायने होता है कि उन्हें ये स्वीकार है। तो क्या इसके दुष्परिणाम या फिर इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद एक हलचल जरूर शुरू हो गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है।
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।